वहीं प्रदेश में फैल रहे डेंगू और डायरिया के प्रकोप और स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल को लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि प्रदेश इन दिनों डेंगू का कहर झेल रहा है, डायरिया का प्रकोप भी जारी है, लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं, प्रमुख वजह स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिल्ली में जाकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन इन कर्मचारियों की पीड़ा सुनने के लिए इनके पास समय नहीं है। ये वही मांग रहे हैं जो सरकार में आने के बाद 10 दिन में पूरा करने की बात कहे थे। चिमनानी ने आगे कहा कि कोरोना के समय कई स्वास्थ्य कर्मचारियों ने काम किया, उन्हें कोरोना भी हुआ, उस दौरान सरकार ने अतिरिक्त भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन आज भी इन्हें भत्ता नहीं मिला है। यहां से दिल्ली चले गए, उनके पास समय रहा, सारे प्रोग्राम उन्होंने रद्द कर दिए, लेकिन अपने आकाओं को उन्होंने वहां जाके कुछ सफाई दी, ऐसा चर्चा में आया है कि महादेव ऐप में क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार के मामलों में कैसे सरकार की सारी पोल खुल रही है, और भ्रष्टाचारियों का संरक्षण भी वो करने गए थे। यहां पे तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ही, दिल्ली जाकर जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का समय है उनके पास यहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों से मिलने का समय नहीं है। इस बात ने प्रमाणित कर दिया है कि कांग्रेस की आत्मा मर चुकी है, संवेदना मर चुकी है।